इस वक्त मेरे साथ रालोद अध्यक्ष चौधरी मौजूद है, जो सामने में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आपका स्वागत है न्यूज 24 के। आज आप लोग शामली पहुंचे हैं, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनकी मूर्ति का अनावरण किया आपने, किस तरह के संदेश समाज को दिया है? कि बहुत अच्छा मौका था, समाज के मौजूद लोग एकत्रित हुए। यहाँ एक साधारण किसान ने अपनी जमीन देकर चौधरी साहब की प्रतिमा लगवाई है, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा प्यार आज भी लोगों के मन में जिंदा है। हम चाहते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ाई लड़ी, उन्होंने संगठित किया लोगों को, उस संगठन को आगे हम लेके चले और मजबूत करें। अच्छा, अखिलेश जी ने ट्वीट किया है, ये कहा है कि भाई पहले बीजेपी को अपने कार्यालयों पर, वो इसलिए कह रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सत्ता के नशे में लोग चूर चूर से लग रहे हैं, ये देश बुलडोजर से नहीं चल सकता, देश संविधान से ही चलेगा। अच्छा, आप जो आर्मी भर्ती है उसकी बात कर रहे थे, अभी ये सब 10% का आरक्षण दिया गया है बीजेपी सरकार द्वारा। बीएसएफ को तो पहले भी आरक्षण था, देखिए आपको चोट ना लग जाए, रुक जाओ आपको चोट लग जाएगी। आप मैंने अभी स्टडी किया। इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे रालोद अध्यक्ष चौधरी जी, जो शामली में पहुंचे थे। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आज शामली में एक व्यक्ति ने अपनी निजी जमीन देकर के प्रधानमंत्री, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनकी मूर्ति का अनावरण करने के लिए अपनी निजी जमीन दी है। और अखिलेश ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट पर जैन जी का बस यही कहना है कि वाकई में जो बुलडोजर नीति है वो अपने मंत्रियों पर भी चलानी चाहिए। सामने से अपने सहयोगी पंकज के साथ अमित शर्मा, न्यूज 24।